इस तरह जो है दावत इस्लाह की तैयारी पूरी करें, और कभी भी दूसरे को जिसको हम दावत देते हैं उसको हकीर ना जाने कि ये हकीर है, कमज़ोर, कह रहा इसको क्या आता है अभी जो है, तो इस तरह। या फिर जो आदमी ने दावत का काम का शौक़ लगा तो अच्छी तरह इल्म हासिल करे, वो शौक़ लगा, एक दो तकरीर उन्हें सुन ली इंटरनेट पर और जाकर उन्हें जो है शुरू कर दिया, बोले अभी सबको बिखेर दूंगा चिल्लर जैसे, या हकीर समझना, तो ये ना करे, क्योंकि अब उसके अंदर आदमी चैलेंज भी कर देता है, दो चार वीडियो देखिए अब चैलेंज आ जाओ इसमें दम, तो ये तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में उसके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए उस बात की, या जिस टॉपिक पे बात हो रही कम से कम उसकी तैयारी हो पूरी होनी चाहिए। पूरा इल्म तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन कम से कम इतना उसके पास में होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 71 में अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अपने बचाव का सामान साथ ले लो। जब सहाबा जो है जंग को जा रहे थे, कहते हैं अपने बचाव का सामान साथ में लो, तो ये हमारे ऊपर भी कि आप अगर किसी के दावत देने जा रहे हैं तो वो जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो जो चीज़ें करेगा, तो उसके बाद इल्म आपको होना चाहिए, बचाव का सामान भी आपके पास में होना चाहिए, यानी दलाइल के साथ तैयार होकर जाना चाहिए, तो उसको साथ ले लो। यानी कि आपको अगर तैरना नहीं आता है तो ट्यूब तो साथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आप जो है सेखी में कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे, अपने आप को डुबा देंगे, तो उसके लिए तैयारी करके रखें। चाहे वो मामला मुसलमान से दावत का मामला हो या चाहे वो गैर मुस्लिम से दावत का मामला हो, दोनों में। और इसी तरह जो है अगर हम जाएं या कोई हमारे पास आए, इसके लिए हमने किसी को बुलाया है, तो वो मेहमान है और मेहमान की इज्जत की जाएगी, मेहमान की इज्जत की जाएगी। ये नहीं कि बात बिगड़ भी जाए तो भी गाली गलौज और इस पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला ऐसा ही होता है कि अक्सर जो होता है कि किसी को दावत दी जाती है, किसी की इसलाह करने की कोशिश की जाती है, तो मामला वहीं ख़त्म होता है, बिल्कुल ऐसा ख़त्म होता है कि उसके बाद वो बोलते ही नहीं ज़िंदगी भर। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मामला बिगड़े ना, क्योंकि एक तो मेहमान आपका मेहमान है, वो तो मेहमान है तो मेहमान की इज्जत की जाएगी। वो किसी का जमात का मजाक उड़ाना, उसके लिबास का मजाक उड़ाना, उसकी किताबों का मजाक उड़ाना, ये चीज़ें उसमें ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम वो सहाबा के ताल्लुक से मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम से कुछ यहूदी आए, वो उनका नुस्खे लेकर आए, अल्लाह के रसूल सल्लम की दावत दे रहे थे तो वो नुस्खे कुछ लेकर आए, और अल्लाह के रसूल सल्लम कुछ बातचीत की, उन्होंने अपने दलाइल रखे, अल्लाह के रसूल सल्लम ने भी उनके सामने बात रखी, और ये उसके बाद भी उन्होंने माना नहीं, लेकिन वो रात हो गई तो वहीं ठहरे, तो अल्लाह के रसूल उनको बाकायदा उनको इज्जत दी, और उस सहाबा ने उनकी खिदमतें की, अल्लाह के रसूल सल्लम को दौड़ दौड़ कर जो भी उनको चाहिए था, कोई बिस्तर ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई खाना, उनको सब खिलाया। ये नहीं कि बस ये तो हमारे पास, अल्लाह के रसूल के पास ना आकर दबल किसको रद्द करने आ रहे, वो कुरान को रद्द करने के लिए, उसके बाद भी अल्लाह के रसूल में इज्जत, उनकी इज्जत की जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया भी, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6018, कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो तो वो मेहमान की इज्जत करे, मतलब ईमान की बात है कि मेहमान की इज्जत करना, तो उसकी वो ध्यान रखे। इसी तरह जो है एक और रिवायत में आता है इब्ने माजा की हदीस नंबर 3712, कि जब तुम्हारे पास किसी कौम का लीडर आए तो तुम उसकी इज्जत करो, अब वो लीडर कैसा भी हो, लेकिन अगर वो लीडर है, कौम का बड़ा है, अमीर है, तो उसकी इज्जत आपको करनी चाहिए, उसकी जो है आपको बात का उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो मेहमान की इज्जत की जाए।